الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. मक्तबदुल मदीना के मतबूआ रिसाले जियाय दुरूद व सफा 13 पर फरमान है सैयदুনা अकबर اکبر رضی اللہ है नबी करीम रऊफुर रहीम अलैहि अफजलु सलात व तस्लीम पर दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों को इस कदर जल्द मिटाता है कि पानी भी आग को उतनी जल्दी नहीं बुझाता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर सलाम भेजना गरदने यानी गुलामों को आजाद करने से अफजल है सल्लुल वालेल्लाह बिप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम चौदह संतीसी हिजरी के माहे फाखिर माहे शेख अब्दुल कादिर यानी माहिर रबी उल आखिर की छठी शब है आप सवाल कीजिए हर सवाल का जवाब वो भी, भी स्वाब दे पाऊंगे जरूरी नहीं बन पड़ा तो करने की साई करूँगा भूल करता पाए फरमाए मुझे आए बाए शायें करता अपने मौके पर वजह अड़ता नहीं बल्कि शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इन मदनी चैनल के नाजरीन आलमी मदनी मरकज़ फज़ान मदीना के हजरीन खैरपुर नाथन शाह जिला दादू बाबुल इस्लाम पाकिस्तान पाक कायमी काबीना नीज पाक हजवेरी काबीना मरकज़ पूरा ओलिया के नाजरीन हमेशा अच्छी अच्छी नीयतें करते रहना चाहिए मदनी मुदाकरे में मसलन ये नीयत करें कि अव्वल आखिर शरीक रहते हुए दीन हासिल करूँगा अगर किसी का धक्का लग गया तो सब्र करूंगा गुरने जिड़क ने उजने से बचूंगा सलूल हबीब की सदा सुनकर बुलंद आवाज से शरीफ पढूंगा, ताकि जिसने सलूल हबीब का उस की भी दिल जुई हो और दरो दीवार भी गवा हूं कह कहा लगाने से जोर से हंसने से बचूंगा इधर उधर देखने से बचूंगा मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करूंगा ना मूवी बनाऊंगा ना किसी का पैगाम सुनूंगा ना पैगाम करूंगा ना फोन करूंगा ना रिसीव करूंगा सल्ण लाहुतार। सल्ण आपने नियत करवाई कि कहका लगाने से बचूंगा तो जो मस्जिद में अगर वो ये भी नियत कर ले हंसने से भी बचूंगा हंसने की तारीफ ये कि इतनी आवाज निकले कि खुद अपने कानों तक पहुंच सके अब वो बेहरा है या कोई ऐसी वजह है कि उसके कानों तक नहीं पहुंच रही लेकिन उसने इस अंदाज में हंसा है कि पहुंच जाती वरना कान तक तो ये हंसना है अदीज़ पाक में मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है हंसने के मुकाबले में कहका जो है ये मस्जिद के बाहर भी ना लगाया क्योंकि सरकार सल्लाम ने कभी भी कह, कह कहा यानी जोर से हंसने वाला अमल नहीं किया कि दूसरे को आवाज जाए इतनी आवाज से हंसना साबित नहीं है बल्कि ये हदीस है तबस्सुम मिन अल्लाह वल काहतो मिन शैतान न तबस्सुम यानी मुस्कुराना अल्लाह की तरफ से और कहा कहा लगाना ये शैतान की तरफ से खा हा हा करके जो हंसते हैं तो इससे बचना चाहिए ये गुनाह नहीं है नाजायज भी नहीं है कोई को आप देखे मस्जिद के इमाम को देखे के जोर से तो उसके खिलाफ मत हो जाना इसके बजे नमाज नहीं होती ऐसा नहीं है बस बचना चाहिए सुन्नत नहीं है। सरकार ने ऐसा नहीं किया के बारे में मशहूर है कि वो मज़ारात पर जाकर चिल्ला कशी किया करते थे जैसे ख्वाजा साहिब ने दाता साहिब के मज़ार पर चिल्ला किया तो क्या ये पहले चिल्ला गाह तैयार करते थे फिर इबादत करते थे नीज़ किसी मज़ार के कुर्ब में इबादत करने की शर् हैसियत क्या है बराए करम जवाब इरशाद फरमा दीजिए किराम का कुर्ब जो है ना ये हर सूरत में मुफीद है जैसे कि वालिद साहब ने जो किताब लिखी है अहसनुलबियाब आदा भी दुआ फ़जाल दुआ के नाम से जो छपी है मकतबुदन मदीना से उसमें बहुत मुफीद किताब है ये तो ज़रूर पढ़नी चाहिए सबको दुआ के बहुत प्यारे प्यारे मदनी फूल हैं तो उसमें यह भी है कि अहलुल्ला के, के में अलिया के करीब वली के करीब दुआ कबूल होती है तो अब जो मजार शरीफ में गया तो उसकी विलायत इंतकाल से विलायत ख़त्म तो नहीं हो गई बल्कि अब तो इनको आज मिलने का टाइम है तो अब ये तो इनके तो और भी यानी के दर्जात बढ़ गए इन मानो कर कि अब वो दारमल से निकल कर जज़ा में दाखिल हो गए तो इनकी जो भी कुतें हैं ये इंतकाल के बाद बढ़ जाती हैं रूहानियत समझो बढ़ जाती है इनकी जहाँ भी अहल्ला होते हैं वह रहमत का नजूल होता है इनके जिक्र पर इनका जिक्र साल तंजीलरहमा के जब साल का जिक्र होता है नेक बंदों का तस्करा होता है उनकी बातें होती हैं तो अल्लाह की रहमत नाजिल होती है तो जब खुद नेक बंदा जहाँ हो वहाँ अल्लाह की रहमत क्यों नाजिल नहीं होगी तो ये मज़ारत ओलिया ये नजूल रहमत रहमत नाजिल होने के रहमत उतरने के मकाम होते हैं तो इनके नज़दीक जाना वहाँ हाजिरी देना दुआ करना इनसे इकतिस फैस करना मदीना मदीना रहमत वहाँ उतरती है तो इसी तरह वहां करीब में इबादत करना ये भी जाहिर है कि वो रहमत में नहाते हुए इबादत करना है तो हजरत दाता गंजब्श्श अली हजवेरी ये बहुत पुराने बुजुर्ग हैं ये हमारे गोश्त पाक से भी पहले के बुजुर्ग हैं तो इनके कुर्ब में इन्हें नजद कुर्ब माने करीब होना, नजदीक होना तो इनके नजदीक में च्तियों के पेशवा खाजा गरीब नवाज ने चिल्ला किया चिल्ला कहते हैं इबादत बुजुर्गों के इबादत के लिए जो जगह मखसूस हो उस मखसूस जगह को ये हमारे चिल्ला कहते हैं तो वहां इन्होंने इबादत की अब पहले से वो चिल्ले की इमारत बनाना तो सर ये कुछ जरूरी नहीं है कि वहाँ इन्होंने इमारत बनाई हो वो करीब में जहाँ आपने अपनी बैठक रखी होगी वहां हाजिरी देते होंगे इनसे फेज़ उठाते होंगे अपना पढ़ते होंगे जो भी इबादत करते होंगे तो उस जगह को बाद वालों ने उसको तो दीवारी करके महफूज कर लिया कि इधर हजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने इबादत की है इन जगहों का भी बड़ा मतलब यानी कि एक खासियत होती है इन मानों अहसन अलिया में ये भी है, जिस जगह पर एक मरतबा दुआ कबूल हो गई जहाँ दुआ कबूल हो गई उस जगह भी दुआ कबूल होती है और जहाँ गुना होता है जिस जगह पर गुना किया वो गुना की जगह उस शख्स के लिए वो अच्छी नहीं है वहां से हट जाए उबारा लिए के बुजुर्गों से ये साबित है कि ख्वाजा गरीब नवाज का एक वाक्य सुना मजीद मजारत उलिया की हकयात जो कि मदीना का एक प्रिंटेड रिसाला है उसके सफ़ा नंबर पाँच से शुरू होता है अलिया कराम मुबीन के मज़ारत तयबात पर हाज़िरी देने और उनसे फेज लेने का बुजुर्गों बुजुर्गों का मामूल रहा है क्यों अपने ज़माने में खनाबीला, यानी फ़िक है हम्बली के यानी हमबली के शेख इमाम खलाल हमतुल्ला फरमाते मुझे जब भी कोई मामला दरपेश होता है मैं इमाम मूसा काजम बिन इमाम जाफर राज़िक के मजार पर हाजिर होकर आपका वसीला पेश करता हूँ, अल्लाह तेरी मुश्किल आसान करके मुझे मेरी मुराद अता फरमा देता है ये आज कल की किताब का वाकया नहीं है ये पुराना वाकया मशहूर किताब है तारीख 133 के हवाले से ये कायद आपने सुनी जबकि करोड़ों शाफे के पेशवा हजरत इमाम सजाम शाफेही फरमाते हैं, मुझे जब कोई हजत पेश आती है दो रकत नमाज अदा करके इमाम आजम अबू हनीफा रहमत के मदार पुरनवार पर जाकर दुआ मांगता हूँ अल्लाह तआला मेरी हाजत पूरी कर देता है ये हिकायत ली गई अल खैरातुल इहसान सफा 230 सौ ये भी पुरानी सदियों पुरानी अरबी किताब है वो किताब है हाफिज इब्ने हजर है तमी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी और ये ख़ूबी के बाद यह बुजुर्गों में ताब नहीं होता था ये खुद शाफ थे जिन्होंने इमाम आजम की सीरत पर किताब लिखी और इमाम आजम की सीरत पर कई किताबें लिखी गई हैं लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि मशहूर तरीन किताब यह है लिखने वाले अनफ ही नहीं है शाफे हैं अलाफे रहमत ये भी इमाम शाफे ही के पैरोन मुखल शाफेद थे इन्होंने भी इमाम आजम अजम अबोनीफ़ा रहमत की सीरत पर किताब लिखी है फी तो ये का ये तरीका रहा अच्छा अगर बुजुर्गों के में ना मिलता, मदीने क्यों जाते है मदीना मदीना तो करते रहते हो करते हैं ना मदीना 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 में क्या है मेरे आका है मदीना इसलिए जानो दिल से प्यारा है के रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने बिल फर्ज, बिल फर्ज। अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि मदीना अल्लाह और शरफोमा के बजाय लंदन में क्या फरमाते तो हम लंडन लंडन करते लंदन लंडन नहीं करते हम नहीं करेंगे जो करें हम मदीना मदीना करेंगे आ, के रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीन मदीना के पास दुआ मांगना या इबादत करने के हवाले से सदी आलादरत इमाम अहिलत रज़िया की पाँचवीं जल्द में सवाल हुआ है तो आपने मिशका शरीफ की कई शुरुआत यानी जो बड़े बड़े बुजुर्गों ने लिखी इमाम बेदावी वग़ैरह ने मुलाली कारी रहम तमाम तौर पुश्ती इमाम तीबी रम्ही तला इन तमाम के हवाले से ये दलील जिक्र की है कि इस पर एक बड़ी दरील के अलिया के कुर्ब में नमाज़ पढ़ना जायज़ और बेहतर है जबकि उनसे बरकत हासिल करना मकसूद हो इस पर जो बड़ी दरीड है वो ये है कि हतीम के अंदर और बा काबा और जो हजर असद है इसके दरमियान उलमा ने इस बात को लिखा है कि यहाँ पर तकरीबन सत्तर अम्बिया कराम की कबूर मौजूद हैं ख़ब्र मौजूद हैं यहाँ पर तो यहाँ पर जब नमाज़ पढ़ना अफजल है और वहाँ पे अगर कोई इस नियत से पढ़ता है कि इनके कुर्ब की वजह से उसकी दुआ कबूल होगी नमाज कबूल होगी तो ये एक अच्छा और बेहतर काम है तो जिस तरह वहाँ पढ़ना दुरुस्त है इसी तरह दीगर अलिया कराम के मज़ारात पर नमाज़ पढ़ना भी दुरुस्त है जबकि वो कबर को सिद्ध की नीयत ना करे और ताज़ीमन जो है वहाँ पर ना हो बल्कि उसका मकसूद कुर्ब हासिल करना हो बरकत हासिल था, करना होगा। उसकी सूरत ये लिखी है कि क़बर के, के दाएँ बाएँ या आगे कोई नमाज़ पढ़ता है तो, तो कोई मसला नहीं और अगर क़बर सामने मौजूद है तो फिर इसमें अगर सुतरा मौजूद है यानी कोई आड़ मौजूद है दरमियान में तो इस सूरत में सामने नमाज़ पढ़ने में भी कोई मसला नहीं है और अगर आड़ नहीं है बीच में कोई सुतरा नहीं है बीच के अंदर तो अगर वो मस्जिद के अंदर या किसी मकान के अंदर मौजूद है वहाँ पढ़ रहा है तो फिर इसका इस तरह पढ़ना दुरुस्त नहीं और किसी सेहरा के अंदर मैदान के अंदर पड़ रहा है तो फिर इतनी दूर पड़ेगा कि सजदे में निगाह रखे तो वो उस तक ना पहुँचे यानी इसकी मकदार ने तीन सफ़े बयान किए हैं क्योंकि निगाह का कायदा ने यह बयान किया कि जब बंदा कहीं पर निगाह रखता है तो वो निगाह फैलती है नज़र उसकी आगे बढ़ती है तो उसकी जो मकदार है वो तीन सफ़े तकरीबन है तो अगर इतनी दूर पड़ता है तो उसकी नमाज में कोई हर्ज वाक़ नहीं होगा दूसरा ये कि अहब कहाव के हवाले से कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर ये मौजूद है कि जब इनका मामला लोगों के सामने आया कि ये तीन सौ साल से ज़्यादा सोए रे उसके बाद ये लोगों के सामने आए फिर अल्लाह के हुक्म से दोबारा गार के अंदर जाके ये आराम फरमा हुए तो कुरान पाक में है कॉल लदीन गलबो अलाम्रीम ललत तद अम मस्जिदा कि जो इनके मामले पर गालिब आए उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर मस्जिद बनाएँगे तो इस ता, इसके तहत भी ये लिखा कि वहाँ मस्जिद बनाई गई ताकि इनकेब के ज़रिए जो है वो फ़ायदा हासिल किया जा सके इसी तरह खतीब बगदादी ने तारीख़ बगदाद में इमाम जहबी रहमतल ताली आड़ सी ने सर आलामला में और शामी रहमतल्हीड़े ने रद्दुलहदार के अंदर इस बात को लिखा है कि अहिल बगदाद के दरमियान ये बात मरूफ़ है कि मरूफ़ करखी रहमत तला की जो क़बर है ये दुआ की कबूलीत के लिए अमर मुजर्रब है कि यहाँ पर अल्लाह तबारक वाली दुआ को कबूल ही फ़रमाता है और इमाम जहाबी रहमत तैय ने ने सैरसर आलाम्नबाला में इस वाक़े को लिखने के बाद इस बात को लिखने के बाद इर्शात फरमाया कि वजह यह है कि जहाँ पर अल्लाह तबारक वाल के नेक बंदे मौजूद होते हैं वह अल्लाह तबारक व तौ की रहमत नाजिल हो रही होती है तो इनके कुर्ब में दुआ करने की वजह से अल्लाह तबारक व ताल दुआओं को कबूल फ़रमाता है इस तरह बहुत सारी बातें जो हैं बहुत सारे बुज़ुर्गों के हवाले से ये लिखी हैं कि उनकी कब्रों के पास जाके दुआ कर की जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल फरमाता है सुभान अल्लाह माशा अल्लाह बारक अल्लाह वल्लाहु तआला आलम व रसूलुहु आलम अज़्ज़ा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद करामत सुभान अल्लाह बेहजतुल इसरार सफहा नंबर 142 पर है शेख अब्दुल्ला मोहम्मद हुसैनी अलही कवी बयान फरमाते हैं एक मरतबा मैं और शेख अली बिन हैती रम कवी हजूर गौसे रमतरम की में हाजिर हुए तो देखा कि एक जवान दरवाजे पर पड़ा है उसने हमें देखते ही कहा हजूर गौ से आजमतल अक्रम से मेरी सिफारिश कर दीजिए जब हम अंदर पहुंचे तो गौसे आजम अली ने शेख अली बिन हैती से जो शख्स दरवाजे पर पड़ा है इसको हमने तुम्हें शेख अली बिन हती रही ने उस जवान को आकर बताया कि मेरी सिफारिश तुम्हारे हक में कबूल हो गई है तो वो फौरन हवा में उड़कर गायब हो गया फिर हमने जूर गौ से आजम अली रहमत अक्रम से इस मामले के बारे में दरियाफ्त किया तो इन्होंने इर्शा फरमाया वो मर्द साहिब हाल था इधर से गुजरा और दिल में ये ख्याल लाया कि मेरी मिथिल यहाँ कोई नहीं है हमने उसका हाल सल्फ कर लिया अगर शेख अली बिन हेती ना होते तो वो यूं ही पड़ा रहता नफसे अमारा के फंदे में फंसा हूं अलियाज दर तेरा बेकस बना पना, पूछा तेरा आलम आलमीब अच्छा वो आज कल बगदाद की तरफ काफिले रवा दवा तो नीयत है के अबू बिनते हम बगदाद के मुसाफिरों को पैगाम दें बगदाद के मुसाफिरों को सलाम अर्ज करते हैं सलाम की दरख्वास्त करते हैं कई मुसाफिर हैं बगदाद के जाने वाले हैं कुछ रवाना हो चुके हैं जी अमीर सुन्नत से ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह कई आशिकान अलिया कई आशिकान गौसे आजम, बगदाद शरीफ पहुँच भी चुके होंगे और कहीं तैयारियाँ कर रहे होंगे तो वापा आप कुछ ऐसे मदनी फूल मुख्तरा इन्हें अता फ़रमा दीजिए कि मज़ारत अलिया के सफ़र के, के दौरान ये अपना वक्त किस तरह गुजारें सफ़र रजा इलाही के लिए हो कि मैं बुज़ुर्गों से फ्यूज और बारक़ात हासिल करूँगा और वहाँ पर दिल लगे या ना लगे कुछ वक्त देना चाहिए कि मजार शरीफ पर हाजिरी हो अब क्या आम तौर पर यह एक तादाद होती है जो सैर व तफरी में लग जाती होगी और गप शप के सिलसिले होते होंगे फ्रेंड सर्कल जाते होंगे और तो ये दो दोस्त तीन दोस्त ये मंडलियाँ ये जाते होंगे और घूमते घामते होंगे होटलें आबाद करते होंगे खाते पीते मोच करके घूम घाम जाते होंगे ऐसा तो नहीं बल्कि वहां जाकर गोस्बाक की बरकतें रहनी है दीगर उल्ला की बरकतें हासिल करनी है वहां बैठना है दिल भले नहीं लगे वहां कुछ देर बैठना है कि उन पर जो रहमतें उतर रही हैं, कोई छींट हम पर भी पड़ जाए और वो कबूलियत का मकाम है दुआ की तो वहां दुआएं मांगनी है और इनके पास हम क्यों आए क्या इसलिए आए कि ये बहुत मालदार थे सरमायादार थे अरबाब इकतेदार में से थे हम क्यों आए इसके लिए ये वो ताजदार हैं कि दुनिया से गुजरे सदियों का अरसा बीत गया लेकिन अब तक ये हमारे दिलों के ताजदार हैं इसलिए हम आए तो इन्होंने ऐसा क्या किया कि जिससे दिलों के ताजदार बने ताकि हम भी वो करें तो उन्होंने इबादत नहीं की अल्लाह की नमाज़ें पढ़ी रोज़े रखे हम भी नमाज़ें रोज़े करते भी हैं तो हमारे अंदर बहुत कोताहियां हैं उनके अंदर वो ना थीं तो हम भी इनकी पैरवी करें वो सच बोलते थे वो गुनाहों से बचते थे अल्लाह की नाफ़रमानी से बचते थे ये हजरात बदखलाकियों से बचते थे लोगों के दिल नहीं दुखाते थे बदगुमानिया नहीं करते थे रफ टोकिंग नहीं करते थे जो हम लोग करते हैं कभी इसको जाड़ा, कभी उसको लिताड़ा उसको गाली निकाली तो ये हजरत ऐसे काम नहीं करते थे तो हम वहां जाकर ये अपनी अपने अमाल का मौसबा करें कि हमको भी ये काम करना फिर हो सके तो पूरे इस सफर में एक बार कुरान करीम का ख़त्म हो जाए जाए नसीब और इसमें भी ज्यादातर वक्त गोश्पाक के रोजे पर बैठ कर आप तिलावत करें मेरे मुर्शिद गोश्त पाक ने पंद्रह साल तक रोजाना रात एक कुरान खत्म किया चालीस साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की तो हम वहां जाकर भी अगर तिलावत नहीं करेंगे तो कहां करेंगे तो जितने भी जायरीन वहां पहुंचे वो जो मुझसे नस्बत रखते हैं मुझसे मोहब्बत करते हैं खसूसियत के साथ उनको मेरा ये मदन हिलतीजा है कि एक कुर करीम आपको बगदाद शरीफ में खत्म करना है पहले कुछ हिस्सा करबला शरीफ में हो जाए करबला शरीफ की भी हाजिरी है नजफिया अशरफ में भी हाजिरी है मौला मुश्किल कुशा के दरबार में सैदना खुर नदी अल्लाह तैरान के भी हाजिरी इमाम मुस्लिम बिन अकील की हाजिरी वो कोफा में वहाँ भी और जहां जहां हाजिरियाँ हो हर जगह हो सकता है कि ये नहीं जा सकेंगे वहां सईद हसन बसरी के यहाँ भी नहीं जा सकेंगे दूर बहुत है आमतौर पर जयरीन नहीं जाते तो जहां जहां मजारत पे जाकर सईद शेख मरूफ करखी के जो कि दुआ के लिए तिरिया के मुजर्रब है ना वहां तो दुआ करना ही वो इलाज है अपने अमराज के लिए रूहानी अमराज के लिए वहां जरूर हाजिरी दें दुआ करें और ये भी मदरी अल्तजा जहाँ भी हाजिरियाँ हों मेरे लिए दुआए मकफिरत बेहिसाब और सलाम अर्ज करना मेरा घोष पाक के दरबार में करबला शरीफ में मोला मुश्किल कुशा की बारगाहों में अंबिया के राम के मजार आते हैं इमाम गजाली को मेरा सलाम जहाँ जहाँ हाजिरी हो सलाम अर्ज करना और ये मतलब मेरी मदनी इल्तिजाओं पर थोड़ा तवज्जो रखना माँ कोई नफल रोजे रखना अपनी यादगार कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक रोजा हुर सुर तो अल्लाह के शरीफ़ पर खोला था हम जो गए थे जब अल्लाह की रहमत से अप 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 ये नारा हुर का था ये शेर भी सुना दीजिए ना ये नारा का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला ये नारा का था ये नारा का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला के देखो यू निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले के देखो यूं निकलते हैं से खुदा वाले थे यजीदी फौज में हकीकत में हुसैनी थे तो पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था है हुसैनी खमीर था गोया तो पलट के यजीदियों की दौलत को इनकी अफसरी को ठोक कर मार मारकर इमाम अली मकाम के कदमों में आ पहुंचे और इमाम अली मकाम पर अपनी जान कुर्बान कर दी तो यूं इनका मजार बन गया इनके कसीदे हो गए जो हुसैनी काफिले में थे, थे, थे शरी 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 कहते हैं आता कहते हैं सारों को सदा करबला के जान सारों को सारूं। इमाम आजम ये भी बगदाद शरीफ में इमाम महमद बिन हम्बल हैं सैदुना जुनून मिस्री हैं और सैदा यूनूस अल नबी तो सला मौसल में हैं मौसल में सैद्फ मौसिली फिर सलमान पाक सैदा सलमान फारसी अब्दुल्ला बिन जाबिर अयूब अला नबीना तो सलाम की दो वहाँ यादगार हैं एक जगह कहते हैं शिफा मिली थी वहाँ भी मजार का अंदाज बना हुआ है एक जगह मजार दानियालम ऊंचाई पर है शहादत तो समझ कर अपनी लिस्ट बनाने के लिए अपने तो यहाँ भी, 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 भी गए थे वहाँ भी गए थे बड़ा मजा आया हाजिरियां दें और वहाँ हाँ वो तो बना बनवाएंगे मजार पर जाकर ये तो बनवाएंगे इशारा कर रहे ये तो बनाए यादगार तो रखेंगे ना क्यामत में दिखा सकेंगे ना हम हम गए थे यहाँ यहाँ भी गए थे यहाँ भी गए थे यहाँ भी गए थे अब जाम के तो वहां मतलब बहुत सारे जाम पीने जाकर या अल्लाह उबे जाके मरद से हमको शिफा देते बस हमें कोई ना देखे तू देखे बस हम इस लफड़े में पड़ गए कि दुनिया देखे और रब की रहमत से पर्दा हो जाए रब से तो कोई छुप ही नहीं सकता अल्लाह उबे जा से बचाए उसने नीयत नसीब हो जाए इनशा जवाजल अमीर अल सुन्नत ने जो ज़ायरी ने बगदाद शरीफ से सलाम के लिए अर्ज़ किया आइए मिलकर हम सब अर्ज करते हैं बगदाद के, के मुसाफिर मेरा, मेरा सलाम कहना बगदाद, बगदाद के से दम आएगा कब ये दर् दर पर मेरा सलूबीबू सवाल आते हैं खौसिया एक सवाल आम ईसाई भाइयों से होगा एक बाइ कराम जामियातुल मदीना और दीगर जामियात से वाबस्ता और दुनियावी तालब इलम होते हैं स्कूलों कॉलेजों के वो आवाम में शामिल होंगे आम ईस् भाइयों में अच्छा अब ये आम ईस् भाइयों की खिदमत में सवाल सोच समझ के देना सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा ये शेर किसका किसका और किस किताब में है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि ये शेर इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रान का बख्शिश से जवाब दुरुस्त है बारह दिल के मदनी काफले की नीयत की है कबूल कब? इनशा आने वाले तीन मदनी माह के दरमियान तीन माह लगेंगे तीन मदनी माह के दरमियान दर में इनशा मेरी नीयत है अब ये हमारे किराम जो मस्जिद के अंदर तो किताब से देख कर या इस तरह देना नहीं होता जवाब किसी नेट का सहारा लेकर ना किसी की सुन लिया जवाब दे तो आपने दिया तो अब ना अब इम्तिहान में के वो कौन से इमाम है जिन्होंने अपने मजार फाइजुल अनवार से बाहर निकलकर हजूर गौसे आजम को अपने सीने से लगा लिया इंतकाल बा कमाल के बाद इन्होंने ये काम किया हयात है है हर वली होता है। चलो तलाबा अब ये जवाब दे रहे हैं हम देखते हैं बाबा घड़ी देखकर पानी क्यों पीते हैं आदमी प्यास की आदमी प्यास देखता है कि प्यास लगी है तो पानी पीता है आप घड़ी देखते हैं तो पानी पीते हैं मैं मैं हूँ आप आप में। आप भी तो आप ओ, आप ही अल्लाह आपका साया सलामत रखे तो यूं तभी तो, तो आपके बारे में पूछ रहा हूँ कि आप आप है मैं हिसाब किताब से अपने पानी पीता हूँ ना ज्यादा भी ना आ जाए अंदर में और कम भी ना रह जाए ये कोशिश होनी चाहिए जी जवाब दे रही है सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अबू मोहम्मद अब्दुल्ला उस बुजुर्ग का नाम इमाम वो इस्लाम भाई जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिया था उनको बारह सौ रुपये का मदनी चेक पेश किया जा रहा है जो ये मकतबल मदीना से खरीदारी कर सकेंगे मरहबा अलहदिल्ला मकतबालमदीना ने अमीर अलसन्नत के कुतुब और रसाइल इसकी एक बड़ी ख़ूबसूरत जो है वो कैटलाग जो है वो शाया किया है फ़हरिस्त और ये मुख्तल रसाले और किताबें जो हैं इसमें बाकायद उसकी तस्वीर भी हैं और चिकने पेपर पर भी हैं अमीर असन्नत की कुतुब रसाइल की तस्वीरी झलकियाँ भी हैं और किताबों का इसमें कुछ मख्सर तारुफ भी दिया गया है तो ये फहरिश जो है मकतबीना ऐसी नाथन शाह से अर्ज है अमीर की बारगा में अर्ज है कि अवी सवारी बस वैन वगैरह में सवारी के दौरान गाड़ी के सामने अचानक कोई चीज आ जाए तो झटका लगने पर लोगों की मुंह से बिस्मिल्लाह निकल जाती है ऐसे मौके पर जबकि हादसे का अंदेशा हो तो बिस्मिल्लाह कहना कैसा जब के आमतौर पे बिस्मिल्लाह बरकत के लिए पढ़ी जाती है जवाब इशाद फरमा दीजिए आपने सवाल में तो शायद ऐसी झटका लगता तो बेख्तियार निकल जाती है तो बेख्तियार निकलने पर तो वैसे ही कोई कलम नहीं लगता तो फैजान सुन्नत जिल्द अव्वल सफा नंबर एक सौ सैतीस बाब फैजान बिस्मिल्ला में है सुवारी यानी गाड़ी फिसले या उसको झटका लगे तो बिस्मिल्ला कहिए तो इसकी दुआ है सवारी की दुआ यह जब ठोकर लगे सुवारी को तो बिस्मिल्ला पड़े तो इसमें कोई हरज नहीं है अगर जानबूझकर बिस्मिल्लाह पढ़ी तब भी कोई हर्ज नहीं है अल्लाह का जिक्र किया वल्लाहु तआला अअलम वरसूलुहू वहुम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला علی والیہ وسلم صلوا علی الحबीब मैं मोहम्मद फैसल ब्रांड रोड जंजानी का भीना लाहौर से सवाल पूछ रहा हूँ। मेरा अमीर अहिल सुन्नत से सवाल है जिसको कुरान पाक दुरुस्त पढ़ना नहीं आता क्या इसकी नमाज हो जाएगी जबकि वो दुरुस्त कुरान पाक पढ़ने की कोशिश करता हो कुरान करीम के मखारिज दुरुस्त होने चाहिए दुरुस्त पढ़ने से मुरादी है कि कोई ऐसी गलती ना हो कि जिससे नमाज टूट जाती हो तो अब अगर नमाज फासिद हो जाती है इस तरह के इसके मखारिज फिर तो रात दिन कोशिश करनी होगी अब हमारे यहाँ क्या होता है जैसे मदीना बालिगान में पढ़ते हैं तो चालीस मिनट के लिए वो आमतौर पर कमो बेश ये मदीना बालगान का दौरानिया है। अब वो यहाँ आकर पढ़े और वहीं रख दिया जिस कायदा वगैरह से पढ़ा था फिर दूसरे दिन आकर फिर कायदा खोला और फिर बोलते हैं हम तो इतने अरसे से पढ़ते हमको आता ही नहीं है अब ऐसे कैसे आ जाएगा रात दिन इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी यानी जो अपने दीगर मशागिल हैं इसके अलावा जो टाइम बचता है तो उसमें पूरी कोशिश करनी होगी तब जमान कोशिश कहलाएगा तो जमान कोशिश में उसकी अपनी नमाज दुरुस्त हो जाएगी वरना नहीं होगी वल्ल तसूल सगाल वसलमीब यहाँ मौजूद आशिकान रसूल हैं आशान गौसे आदम हैं, मदनी चरण के नाजरीन हैं। दावत इस्लामी का एक शोबा है लंगर रजविया जिसके ज़रिए से यहाँ मौजूद आशिकान रसूल की जो है वो खैर खाई की तरकीब की जाती है और इसके अलावा जो तीन तीन दिन के लिए तरबती इज्त में आते हैं मुख्तलि इस्लाम भाइया मौजूद होते हैं इनकी खैर खवाही की तरकीब होती है तीन वक्त का खाना भी इनको पेश किया जाता है और ये दिन भर सन्नतों की तरबियत के मदनी काफ़िले के जदवल के तौर पर मुख्त मदनी हलकों में भी शिरकत करते हैं तो बाबा ये जो हमारे इस्लाम भाइय अगर ये भी कुछ इस तरह लंगर रजविया में हिस्सा लें जहर नसीब लेना भी चाहिए कि अगर वैसे कहीं जाएँगे घूमने गामने के लिए पिकनिक पर गुजारे पल्ले से ही खाएंगे ना तो अपना अंदाजा लगा लें कि हम यहाँ अपना खाते तीन दिन में कितना खा लेते ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ तो आप जितना भी अगर दे सकते हैं दे तो मेहरबानी दे उसका भी भला ना दे उसका भी भला तो तमाम हाजिरीन नाजरीन मेहरबानी करके वो लंगर ए रजविया में हिस्सा लें और कुछ ना कुछ रकम देखे दीन का काम और दीनार से हो रहा है खिलाओ और काम इनको नमाजें पढ़ाओ इनको भूखा रखेंगे तो नमाज नहीं पढ़ेंगे पिकनिक पर ये अपनी जेब से देंगे हमें नहीं देंगे ये सब देखी वाली बातें मुशादा है आप मेरी इस बात को गलत साबित कर दें देखे दिखा दें सबा हमारे हम में सब देगा कुछ ना कुछ हमको क्या समझाए हम पिकनिक वाले नहीं हैं हम मदीने वाले के आशिक हैं हम गोश के गुलाम हैं जिनकी नेमतें खा रहे उनमें से कुछ ना कुछ हिस्सा हम डालेंगे जरूर पापा डाल रहे हैं ये तो आना शुरू हो गए भाई क्यों तो। है पापा हाथ तो हाथ गोश के दीवाने ही आ रहे हैं और ये झोली में डाल रहे हैं पापा क्या शान है इनकी 1100 रुपए आपने जो पिछली दफा भी हमारी तरगीब जो दिलाई थी हमारे मरकज़ उल औलिया वालों को माशा अल्लाह

لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الحليم الكريم. الحليم الكريم. سبحان الله. سبحان الله. رب السماوات. رب السماوات. السبع. السبع. رب العرش العظيم. رب العرش العظيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الحليم الكريم. سبحان الله. سبحان الله. رب السماوات. رب السماوات. السبع. السبع. رب العرش العظيم. رب العرش العظيم. لا اله الا الله. لا اله الا الله. الحليم الكريم. الحليم الكريم. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. رب السماوات. رب السماوات. السبع. السبع. رب العرش العظيم. हजरत सैदिन तुम्हारा फरमाते हैं जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त तीन मरतबा पढ़े तो उसकी खतएं मिटा दी जाती हैं और जो मजलिस से खैर वजलिस से जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोल लगा दी जाइए आइए मिल के पढ़ते हैं सलोबीब सुबह وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا

So, so, so. so.